रिवर्स गियर में पीछे फिक खींच दी। मैं बिरयानी खा रहा हूँ अंदर बैठ के और उन्होंने मेरी गाड़ी ठोक दी। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गाड़ी ट्रिप के लिए नहीं है? नहीं ये ट्रिप के लिए तो है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है मेरी जो थार में और एक्सयूवी 700 में चाबी थी ना, हाँ। उससे बेटर ये इस गाड़ी की चाबी है। वैसे अगर एवरेज वाइज देखी जाए, प्राइस वाइज देखी जाए तो पंच ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे। पेट्रोल CNG में फर्क ही नहीं है। अच्छा आप CNG में चला रहे हो चाहे पेट्रोल में, पावर का फर्क ही नहीं लगेगा। क्रेटा मैंने टॉप वेरिएंट ली, टर्बो वाली, ठीक है, ये ली, ये भी टॉप वेरिएंट ली, थार ली टॉप वेरिएंट ली, BMW है वो भी टॉप वेरिएंट। तो CNG की रेट की वजह से ये ओवर प्राइस लग रही है गाड़ी मुझे, क्योंकि CNG भी पेट्रोल के रेट पे पहुंच गई तो इसके लिए 1.5 लाख रुपए देना फायदा नहीं है। मैं देख इधर रहा था और मोड इधर रहा था तो एकदम से पेड़ था, पेड़ पे जाके बची। अच्छा मारुति या वो हुंडई होती तो ये निकलता नहीं, चिपक जाती, चिपक जाता वो अंदर। हेलो दोस्तों, भाई आज मैं लेके हूँ आपके लिए, सामने देख लो यार। सबसे पहली बात, ये गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है भाई, यूट्यूब पे ना अच्छी खासी फेमस गाड़ी है। और जिनकी गाड़ी है ना भाई, मतलब चैनल है ना, वो कार ओरिएंटेड है, मतलब कार रिव्यूज वगैरह ही करते हैं। तो वैसे तो यार देखो, आप नंबर देख के पहचान गए होगे कि किसी गाड़ी है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं ना, आपको सीधा मिला लेते हैं। तो क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया, आप बताओ बस। तो नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, अनमोल भाई। और वैसे भी सब जान गए होंगे। तो अनमोल भाई सबसे पहले बेसिक बातें कर लेते हैं, ये कौन सा वेरिएंट है? ये 2022 टाटा टियागो XT प्लस CNG में टॉप वेरिएंट है ये CNG का। अच्छा, और ये पड़ी कितने की थी आपको? ये 8.5 लाख रुपए की। 8.5 लाख की। अच्छा एक बात बताओ, 8.5 लाख की CNG में जो ली है आपने, वर्थ लगी है आपको? नहीं अब नहीं लगी, मैंने जब CNG ये ली थी ना, हाँ। उस टाइम पे ये जनवरी या फरवरी की बात है, दिल्ली में CNG थी 56 रुपए किलो, और गुड़गांव में थी मेरे 65 या 60-70 रुपए। इस वक्त गुड़गांव में 85 रुपीज हो रखी है KG, और दिल्ली में भी लगभग 80 के आसपास हो रखी है। अच्छा, तो ये एक इसमें लगभग 7.5 किलो गैस आ जाती है फुल सिलेंडर, डिपेंड करता है वेदर कौन सा है, सर्दियों में गर्मियों में अलग। और 7.5 किलो में ये हाईवे पे 200 चलती है और सिटी में 170। तो मुझे लगता है कि पेट्रोल में अगर मैं पंच ले लेता इसकी जगह, 1 लाख रुपए सस्ती भी पड़ती, हाँ। तो पेट्रोल में ही ज्यादा अच्छी एवरेज निकालती, जबकि ये जो है ना CNG है तो, बट गुड़गांव के सारे CNG पंप इतनी लंबी लाइन होती है ऑटो की वजह से कि मैं चलाता पेट्रोल पे ही, और पेट्रोल में ये 14 से ऊपर देती नहीं है, 13-14। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अगर पंच ले लेता तो उसमें एक तो पहली बात तो लुक्स जो, और फिर सेगमेंट अलग चेंज हो जाता है। मेरा थोड़ा प्रेफरेंस ये था कि छोटी गाड़ी लेनी है, गलियों में कहीं भी लगानी हो चलानी हो। तो वैसे अगर एवरेज वाइज देखी जाए, प्राइस वाइज देखी जाए, तो पंच ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है अब मुझे। अब हाँ, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब EV आ गई है इसमें, हाँ हाँ हाँ। जनवरी से डिलीवरी शुरू होगी, तो अगर इसके अच्छे रेट मिल जाते हैं तो EV लेंगे, निकाल के EV ले लेंगे। हाँ, इससे बेहतर तो मुझे लग रहा है EV सही है फिर, क्योंकि CNG लेने का फायदा हुआ नहीं मुझे। बाकी ये है कि जैसे 8 कितने की बता रहे थे? 8.5। तो उस टाइम पे जब आपने खरीदी तो और कौन कौन सी गाड़ियां ऑप्शंस में रखी थी, सर्च की थी? मेरी 2 ही थी, i10 या फिर ये। अच्छा, सबसे पहले i10 बुक करवा दी थी, उन्होंने 4 महीने की वेटिंग दे दी, और पसंद थी मुझे, पावर उसमें अच्छी थी, 4 सिलेंडर इंजन था, ये 3 सिलेंडर है, वाइब्रेशन उसमें नहीं थी, इसमें है। इसमें थोड़े से आपको ना फिनिशिंग अच्छी नहीं मिलेगी इतनी, ह्यूंडई में अच्छी थी और CNG में वो मिल रही थी, इसलिए मैंने वो बुक करवा दी थी। इससे 30,000 रुपए सस्ती भी थी। बट फिर टाटा बिल्ड क्वालिटी वाइज भी देखा जाए, मैंने इसको चला के देखा तो इतनी पावर में फर्क नहीं लगा, अच्छी थी, वाइब्रेशन भी इतनी नहीं थी, और ये हाथों हाथ मिलती थी। लेकिन एक चीज और भी है, जैसे मैंने भी टियागो CNG थोड़ा टेस्ट ड्राइव ली थी, तो ऐसा कुछ फील होता है कि इसके इंजन में से ऐसी आवाज आती है जैसे कुछ कमी हो रखी है। बिल्कुल है, ऐसा है ना, और वो CNG की वजह से है, ये तो नहीं पता, पेट्रोल में चलाता हूँ तब भी आती है। लेकिन ये है जैसे 3 सिलेंडर है तो वो आवाज आनी बनती है, भी है, फर्क है वो। तो i10 के क्या रेट पड़ रहे थे? i10 पड़ रही थी 8-20 की, ये 8.5 की, पर तो उसका क्या था, उसमें फीचर जिससे कम थे, जैसे उसमें चारों पावर विंडो नहीं थी, पीछे वाली दोनों वो थी, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल से सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं था, एलॉय व्हील्स भी नहीं थे, ओके। उसका जो टॉप था वो बहुत महंगा था। अच्छा, तो फायदा नहीं पड़ रहा। तो टियागो के बेस वेरिएंट में मिलती है CNG? नहीं, टियागो में मेरे ख्याल 2 ही आते हैं वेरिएंट CNG के साथ, और ये टॉप है, नहीं 3 आते हैं, हाँ। एक वो था, वो XM आता है, 7 लाख कुछ हजार का था वो, फिर था मिड वेरिएंट 790 का, फिर ये था टॉप वेरिएंट 8.5 का, पर ये 8.5 में वैल्यू फॉर मनी ज्यादा यही था आपको, क्योंकि इसमें सारी चीजें मिल जाती है, स्क्रीन मिल रही है, अर्बन गार्डन का स्पीकर सिस्टम मिल रहा है, चारों पावर विंडो मिल रही है, सेंट्रल लॉकिंग मिल रही है, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स मिल रहे हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं बिलीव रखते हो कि यार बाहर से काम कराने में दिक्कत होती होती है? हाँ, मैंने आज तक देखो गाड़ियां लिया, मैंने क्रेटा मैंने टॉप वेरिएंट ली, टर्बो वाली, ठीक है, ये ली, ये भी टॉप वेरिएंट ली, थार ली टॉप वेरिएंट ली, BMW है वो भी टॉप वेरिएंट। तो मैं ये सोचता हूँ कि इलेक्ट्रिक चीजें ज्यादा ना छेड़छाड़ करनी पड़े, वैसे मॉडिफिकेशन चलती है, एक्सेसरीज वगैरह कुछ भी लगवा लो, फिर तो कुछ भी लगा लो, एलॉय बदलवाने बदलवा लो, बट जो इंटरनल चीज है ना, जैसे
अब फिनिशिंग की बात करें, इसमें चारों पावर विंडो है। अगर मैं इसका बेस वेरिएंट लेता तो पावर विंडो लग तो बाहर से भी जाती, बट वो बात नहीं, मजा नहीं आता। तो मुझे वो चाहिए, वो चीज कंपनी की। टच स्क्रीन हो, मुझे वो एंड्रॉइड नहीं चाहिए, मुझे कंपनी का टच चाहिए। कंपनी का चाहिए चीजें, मैं बल्ब वल्ब चेंज कर लूंगा, फॉग लैंप चेंज कर लूंगा, अंदर का मटेरियल चेंज नहीं। अच्छा, जैसे मैं नंबर देख रहा हूँ तो सभी गाड़ियों पे यही नंबर है क्या? नहीं, ऐसे मैं सीरीज है, जैसे मैंने बाइक जब लेनी शुरू करी ना तो मैंने ली 13, 13, 14, 14, 15, 15, ये लिया है 1777, 1888 थार का है, ओके, 1999 आगे ले लिया ऐसे तो। अच्छा, BMW का। अब उसमें तो कुछ और ही लूंगा, 0007 सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अगर नॉर्मल कोई गाड़ी लेता तो 1999 लेता वो। ओके, अच्छा इसमें टिगोर वगैरह नहीं देखी? टिगोर देखी, क्योंकि उसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। पर हो गया था एक साइड में, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए थी, फिर वो डिजायर वाली, मतलब आपको प्रॉपर एक हैचबैक चाहिए थी। हैचबैक भी बिल्कुल छोटी वाली हैचबैक, i20 नहीं लेनी, i10 लेनी। अच्छा अच्छा, वही वाली बात है, बिल्कुल। और जैसे मैं एक कलर देख रहा हूँ, इसका ओरिजिनल कलर कौन सा है? इसका ओरिजिनल कलर ग्रे है, इनलग अभी ब्लैक रहा होगा, मैट PPF हो रखी है, कलर चेंज नहीं हो रखा इसका। ये ग्रे में पर आपको फील ब्लैक की दे रहा है, बट है ये ग्रे है, थोड़ा शाइनिंग भी ये कर रहा है ना। बाकी प्राइस क्या पड़ा है इसका आपको ये कराने का? ये तो 1 लाख प्लस की पड़ी थी। 1 लाख प्लस का? 85 की पड़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, थार में 125 की थी और X7 160। तो इसमें वैरायटीज भी होती है क्या कुछ? ये 30,000 से शुरू होती है और 1 लाख तक की आप करवा सकते हो, डिपेंड करते हैं कितने साल वारंटी वाली ले रहे हो, कैसी क्वालिटी है वो। मैंने कहा ये गाड़ी तो मुझे, मैंने ये सोचा था कि मैं रखूंगा 5-10 साल, ओके, CNG ले रहा हूँ तो चलेगी चलेगी। फिर वही बात है, इलेक्ट्रिक देख के थोड़ा मन ललचा रहा है, क्योंकि 300 की रेंज दे रही है टाटा और 11 लाख कुछ की पड़ रही है। मेरी 7.5 की भी बिक गई, क्योंकि 8-9 महीने ही हुए और चली भी 6-7, तो मैं 3-4 लाख ऊपर मिला के फिर वही प्रेफर करूंगा। चलो अच्छा, साइड में आ जाते हैं, अब साइड में जैसे बात करते हैं, इसमें एलॉयज वगैरह मिलते हैं क्या? नहीं, ये हाइपर स्टाइल वाले हैं ना, वो कैप है। है वो नॉर्मल स्टील रिम। हाँ हाँ, कैप्स मिलते हैं। ओके, टॉप वेरिएंट में भी एलॉय नहीं है। और ये जैसे मैं डोर हैंडल पे क्रोम देख रहा हूँ, ये आता ही है इसमें? स्टॉक है। अच्छा, बाहर से कुछ नहीं करा, बाहर छोड़ो अंदर से, मैंने आज तक ना सीट कवर लगाए, ना मैट लगवाए, ना छोटी मोटी एक्सेसरीज लगाई, क्योंकि ये रोज का चलना है इसका। हाँ, तो हाँ, इसको टाइम ही नहीं मिल पाता करवाने का। मतलब देखो यार, ये है ग्रे कलर तो है, बाकी ये है कि इस गाड़ी पे मैंने मैट अब तक देखा नहीं है, पर ये चीज ना अच्छी लगी। मुझे लग रहा है आपकी सारी गाड़ियाँ मैट ही है, तो क्या मैट से क्या लगा हुआ है ऐसा? मैं शुरू करी थी थार से। हाँ, थार का ना लुक ही अलग हो गया था, रोड प्रेजेंस अलग हो गई, मैट में लोग पूछते थे कि ये क्या रैप करवा रखा। हाँ, हाँ। मगर रैप नहीं है, मैट कलर है, कि RC में भी लफड़ा नहीं है। हाँ। अपना कलर चेंज हो गया और लुक भी बदल जाती है। फिर मैंने इसमें भी करवा ली। फिर मेरी X7 मुझे लेनी थी व्हाइट कलर, तो व्हाइट मिली नहीं मुझे कहीं पर भी, तो ब्लू मिल रहा था। अच्छा, लेनी व्हाइट थी आपको? हाँ, व्हाइट लेनी थी, फिर ब्लू मिल रहा था, तो मैंने भैया को फोन किया जो करते हैं डिटेलिंग बुल में ये। मैंने कहा भैया ब्लू कलर मिल रहा है, तो वो कह रहे ऐसा करो ब्लू ले लो, इसमें मैट PPF करेंगे, अलग ही लुक निकल के आएगी। और वो वाकई अलग निकल के आ रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर उस पे भी मैट करवाई तो एकदम बढ़िया लगी। मैंने कहा ठीक है सही है। चलो एक बार भाई पीछे की साइड चलते हैं अनमोल भाई, और पीछे का लुक दिखाता हूँ टियागो का क्या मिलता है। ये देख लो, ये साइड विंग्स वगैरह ये पियानो में मिलते हैं। लुक तो हैचबैक में इसका काफी ज्यादा सही है ना, ठीक है, मतलब क्योंकि मुझे जो थी रिक्वायरमेंट। हाँ, उस हिसाब से छोटी सी गाड़ी है, कहीं भी बढ़ जाती है, मुड़ जाती है, लग जाती है, कहीं पर भी इतना दिक्कत नहीं होती है। और ये क्रोम की जो बिडिंग है अलग से लगवाई है? ये सब कंपनी स्टॉक, ये कंपनी से आया। अच्छा, ICNG। और देखो भाई ICNG, जैसे टाटा ने बोला था ICNG, तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ है जैसे बोल रहे थे कि भाई आपको पेट्रोल और CNG में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, ऐसा कुछ है? देखो, एक तो जो आप आफ्टर मार्केट CNG किट लगवाते हो ना, उसमें स्टार्ट गाड़ी पेट्रोल पे ही होती है, 10 सेकंड बाद शिफ्ट होती है CNG पे, इस पे क्या CNG में ही स्टार्ट होगी। दूसरा चीज, अगर आपका ये जो है ना, जैसे अभी आप किट लगाते हो तो बोनट से भरती है गैस, इसमें क्या यहीं से भरेगी, पेट्रोल का भी लीड यहीं है, गैस का भी यहीं है, और मान लो ये खुला रह गया तो गाड़ी ऑन ही नहीं होगी, स्टार्ट नहीं हो गया ना, वाइज दे रखा है। और चलती गाड़ी में भी अगर कर दिया तो बंद हो जाएगी। तो वही है कि ये खुला है तो नहीं स्टार्ट होगी। तो ये सेफ्टी, चलती गाड़ी में तो खुलेगा ही नहीं जब तक आप उसको अनलॉक नहीं करोगे, ये खुलेगा नहीं, और चलती गाड़ी में अनलॉक होगी नहीं गाड़ी। ओके, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अच्छा, सेफ्टी की बात जैसे आ रही है, तो ये 4-स्टार है आई थिंक, है ना? हाँ, i10 थी मेरी 2-स्टार करी थी, ये 4-स्टार है, और CNG में 4-स्टार मिलना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, तो 5-स्टार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते CNG गाड़ी में, पर 4-स्टार मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसा होता है जैसे गाड़ियां भाई स्टार तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन फील होता है बंदों को, ओनर जो होते हैं कि यार ये है नहीं, लग नहीं रही, आपको कैसा फील हुआ कि हाँ ये है 4-स्टार रेटिंग? बिल्कुल, दो इंसिडेंट हुआ है। एक बार तो घर के बाहर में पार्किंग करने लगा था, तो मेरा ध्यान नहीं था, मैं देख इधर रहा था और मोड़ इधर रहा था, तो एकदम से पेड़ था, पेड़ पे जाके बची। अच्छा, मारुति या वो हुंडई होती तो ये निकलता नहीं, चिपक जाती, चिपक जाता वो अंदर, हो जाता या तो ये टूट जाता पूरा। इसमें क्या, सिर्फ इसके ये खुले है जो अभी मतलब लगवाऊंगा तो लग, लेकिन कहीं भी देखो डेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया, मजबूत है। और ये देख लो भाई, अब पेड़ में लगी है ना जाके,
ठीक है। दूसरा हुआ था आगे की तरफ से, मैं खड़ा हुआ था ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ थे आगे गाड़ी में, हस्बैंड उतरे, वाइफ को अपनी सीट दे दी और वो निकलने लगी, उन्होंने गलती से फर्स्ट गियर की जगह रिवर्स गियर में पीछे फिक खींच दी, मैं बिरयानी खा रहा हूँ अंदर बैठ के और उन्होंने मेरी गाड़ी ठोक दी। उनकी गाड़ी थी वो वैगनार, वो पिचक गई पीछे से, इसमें देख लो कुछ नहीं हुआ, बस ये हल्का सा यहाँ पे फटी है। अच्छा, कुछ कराया नहीं है ना? सही है, अभी वैसी है। ओके भाई, ये देख लो बस, ये पीपीएफ जो है ना ये हटी है, बाकी पूरा वैगनार चिपक पीछे से पूरा डेंट पड़ गया था। तो वो ये फर्क पता चलता है, डोर भी देखोगे हैवी है पूरे, मतलब ये तो है यार कि देखो टाटा ना सेफ्टी पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, 4 स्टार और 5 स्टार वो बिल्कुल जेन्युइन होता है उनका है ना। तो एक बार पीछे का ना बूट स्पेस इसका चेक करते हैं कि कितना मिल जाता है सीएनजी के बाद। दूसरा इनको बटन देना चाहिए था, हाँ एक्सेस करने के लिए कुछ देना चाहिए था, देना चाहिए था, अब ये खोलना पड़ता है ऐसे। तो ये देख लो भाई, मतलब क्या ही देख लो, बस सिलेंडर देख लो, बाकी बूट स्पेस तो भूल जाओ, कुछ भी नहीं है भैया है ना। और अगर नीचे की स्टेपनी भी निकाल ली हो तो ये सीट फोल्ड करके, हाँ सीट फोल्ड करके, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस आगे से आओगे ना, देखो आगे से आपको थोड़ा सा स्पेस मिले, ये सीट जो है ऐसे होती है, हाँ 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 रख रखा है, ये थोड़ा सा स्पेस मिलेगा है ना, एक बैग आप यहाँ रख सकते हो अपना। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गाड़ी ट्रिप के लिए नहीं है? नहीं, ये ट्रिप के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो हाँ तो एक तो चार ही बंदे बैठ पाएंगे, हाँ हाँ हाँ, और चार बंदे बिठाओगे तो बैग का रखोगे उनके, बिल्कुल सही बात, बैग तो रखने की जगह चाहिए ना। अच्छा, पीछे का कंफर्ट कैसा है, रिस्पांस मिला हो किसी से? सही है, हम मैं X7 की डिलीवरी लेने गए थे चंडीगढ़, तो इसी में गए थे हम 5 लोग, पांच लोग और बैग भर के पूरा, ओके, वो 6 घंटे की जो जर्नी थी चंडीगढ़ की कम्फर्टेबल रही पूरी। चलो एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। तो भाई ये देख लो, सबसे पहली बात तो टियागो, और ऊपर से भाई मैट पीपीएफ इसमें हो रखे, जो कि काफी अच्छा लुक निकल के आ रहा है। ओरिजिनल कलर जो है वो ग्रे है। भैया एक बात बताओ रनुल भाई, जैसे आपने पीपीएफ कराया मैट हो गया है, हाँ। तो ये कुछ इलीगल है या नहीं? नहीं नहीं, नहीं कलर सेम ही है, क्योंकि तो आप मैट में रखो या ग्लोस में रखो उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो यार ये चीजें क्लियर हो गई है कि आप ना इसमें मतलब पीपीएफ वगैरह मैट करा सकते हो, उससे कोई इशू नहीं होता है, बस मेन बात है कलर सेम रहना चाहिए ना। भाई देखो अंदर का डैशबोर्ड एक बार आपको दिखाता हूँ, ऐसा डैशबोर्ड मिलता है जो की क्योंकि हमारा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है ना, तो जितना भी मजदूरी वाला काम है वो इसी में हो रहा है। भाई देखो यार मेहनत, सही में बता रहा हूँ मैं अनमोल भाई, इतनी मेहनत करते हैं ना, हम तो एक चैनल पे परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे करेंगे कैसे करेंगे, और अनमोल भाई भाई कितने चैनल चला रहे हैं। तो अनमोल भाई सबसे पहले एक बार इसकी चाबी दिखा दो आप मुझे, कैसी चाबी मिलती है इसमें? मुझे ऐसा लगता है मेरी जो थार में और XUV 700 में चाबी थी ना, हाँ। उससे बेटर ये इस गाड़ी की चाबी है यार। वो महिंद्रा वाले कर क्या रहे हैं, वो एक ही चाबी हर जगह चला रहे हैं। थार में तो फिर भी सही लगता है, XUV 700 में तो सोच स्कॉर्पियो में भी सेम ही है। वही तो कह रहा हूँ, बताओ कहाँ वो चाबी कहाँ गाड़ी की। कितने किलोमीटर आपने चला लिया? ये 7000 के आसपास चली है, हाँ 7011। अच्छा 7000 चल गई है। तो अब मुझे बताओ, जैसे CNG पेट्रोल की तो चलो बात छोड़ो, CNG पे कैसी परफॉर्मेंस लगी आप थोड़े से बताओ मुझे। पेट्रोल CNG में फर्क ही नहीं है। अच्छा, आप CNG में चला रहे हो चाहे पेट्रोल में, पावर का फर्क ही नहीं लगेगा, बिल्कुल सेम। और पावर वाइज भी गाड़ी बहुत अच्छी है चलाने में, मैनुअल ले रखी है, मैनुअली आती है इसमें CNG में, नो डाउट अच्छी पावर है, बढ़िया मजे आ जाते हैं। तो वही है, वाइब्रेशन है 3 सिलेंडर की वजह से, और ब्रेकिंग भी अच्छी है इसकी, बस अच्छा ब्रेकिंग अच्छी है, कार से तो बहुत बढ़िया है इसकी। और स्टीयरिंग जो मिलता है, टिल्ट मिलता है? नहीं नहीं, ये खाली वही है अपना। अच्छा, एक साइड आगे नहीं मिलता, बस टेलीस्कोपिक नहीं होगा ना, टिल्ट है खाली। और मेन है पावर स्टीयरिंग है तो बहुत लाइट है। नहीं, इसका स्टीयरिंग तो मैंने भी देखा है, जैसे टाटा की गाड़ियों का लाइट होता है, चलने के बाद वो अच्छा खासा हो जाता है, बढ़िया है ना, ऐसे स्मूथ रहता है। बाकी देखो भाई, ऐसा म्यूजिक सिस्टम इसमें मिल जाता है जो कि इनबिल्ड है, और मेन बात है हरमन का म्यूजिक सिस्टम। बताओ और मोर भाई कैसा लगता है हरमन का? इस प्राइस रेंज में कोई गाड़ी नहीं देखी मैंने, इसका छोड़ो आप वेन्यू और जो अपना सोनेट वगैरह भी आती है उनके टॉप वेरिएंट का भी स्पीकर सिस्टम इससे अच्छा नहीं है, इसका अच्छा है। ये भाई रियल है, मेरी पंच में भी ये हरमन का ही है भाई, ये तो सच में ऐसा है, मतलब जो अगर सॉफ्ट म्यूजिक सुनता है ना उसके लिए बहुत बढ़िया है। बेस भी अच्छी है, बेस भी आप वाले गाने सुनने अच्छी है वो, बिल्कुल। और यहाँ पे देख लो कुछ ना कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो लॉक वगैरह करने का, CNG स्विच करने का, CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से। मैं बताता रहा हूँ, पिछले 3 महीने से CNG में चली नहीं है, CNG खाली रहती है। अच्छा, लॉक अनलॉक का बटन है, ये अपना लाइट हाँ। यहाँ पे मुझे एक कमी लगती है कि एसी का स्क्रीन का जो पैनल है वो यहाँ देना चाहिए था। अच्छा, यहाँ है नहीं कुछ, ये खाली है, ये यहाँ चलता है। अच्छा अच्छा, जो भी आप चला रहे हो टेम्परेचर वगैरह वो यहाँ चलेगा, जो भी आप मोड चेंज करोगे वो यहाँ दिखेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे अगर कोई बंदा देखेगा कि हाँ यही देना चाहिए था, होनी चाहिए थी ये चीज, बिल्कुल होनी चाहिए थी।
भाई देखो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और बाकी डुअल टोन ये है कि जैसे नीचे बीज कलर है ऊपर ब्लैक कलर है ना। अगर अनमोल भाई बात करें इसके पॉजिटिव्स, जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं तो नेगेटिव्स भी ऑलमोस्ट होते ही हैं, तो क्या नेगेटिव आपको इस गाड़ी के समझ में आए हैं? नेगेटिव अब तो CNG की रेट की वजह से ये ओवर प्राइस लग रही है गाड़ी मुझे, क्योंकि CNG भी पेट्रोल के रेट पे पहुंच गई तो इसके लिए 1.5 लाख रुपए देना फायदा नहीं है। यही एग्जैक्ट वेरिएंट आपको पेट्रोल में 7 लाख का मिलता है, हमने 8.5 का लिया। ओके ठीक है। दूसरा वाइब्रेशन है गाड़ी में, स्टीयरिंग वाइब्रेट, ये गियर नोब वाइब्रेट करता है, गियर नोब अटकता है कभी कभी, दूसरे से तीसरे गियर लगाने में थोड़ा सा टक्का बन आता है। क्लच टाटा की गाड़ियों में पूरा दबाना पड़ता है, एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आधे क्लच पे गियर चेंज नहीं होता। दूसरा यही है, डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाती तो अच्छा होता। हाँ, मतलब ये ड्रॉबैक्स आपको लगे हैं। क्रूज कंट्रोल नहीं है 8.5 लाख की गाड़ी में भी, ये भी होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे माउंटेड कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट्स के मिल जाते हैं ना। अच्छा, और अगर बात करें पेट्रोल पे क्या माइलेज वगैरह निकालती है? मैंने पेट्रोल की कभी नापी नहीं है, बट 12-12.5 के आसपास ही है लोकल में। और हाईवे पे नहीं चेक करी, हाईवे पे हमेशा CNG पे चलती है। वो एक टैंक में 200 चल जाती है। अच्छा, टाटा की बात करते हैं फिट एंड फिनिश की, सबसे ज्यादा मुद्दा यही होता है कि टाटा की फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ है या फिर ये क्या है? बिल्कुल है, ये सच है। अभी इस गाड़ी में तो मुझे इतना फिर भी नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी ऐसी गाड़ियां मैंने टाटा की देखी है, जैसे अपनी वो है नेक्सोन है, हैरियर है, सफारी है, पैनल गैप मिलेंगे बहुत जगह पे, बाहर से रबड़ उखड़ा हुआ है कहीं पे, बोनेट में गैप ज्यादा है, एक जगह कम है, तो टाटा महिंद्रा भी इन चीजों में थोड़ा पीछे है। होपफुली जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। इस गाड़ी में मुझे नहीं लगता कुछ है। आर्मरेस्ट की कमी फील हो रही है? नहीं नहीं, हो नहीं रही है ना, छोटी गाड़ी है ना, मतलब क्या तो ना, लॉन्ग रूट में चलाता नहीं, चलनी है दिन की मैक्सिमम दिन की 10-12 किलोमीटर, गलियों में इधर से उधर सामान लाना है, ले जाना है, बस इतना ही। मैं देख रहा हूँ यार, आपने सीट कवर्स वगैरह भी कुछ नहीं कराया, सब करवाना है, ये सब रह रखा है, सब होगा ये एक साथ ही। चलो अब थोड़ा बाहर निकल के बात कर लेते हैं। देखो भाई, इंटीरियर ना गाड़ी का वाकई अच्छा है। टियागो ना मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो ICNG डाला है ना, उसका मेन है भाई कि ICNG, मतलब आपको फील नहीं होगा आइस का, जो उन्होंने डाला था ना भाई टैगलाइन, कि इंप्रेस हो जाओगे इस गाड़ी से। और वाकई बात, जितने भी ओनर से मैं बात करता हूँ भाई, वो वाकई इंप्रेस्ड है इस गाड़ी से, ठीक है। और अगर रेटिंग की बात करते हैं थोड़ी सी, आउट ऑफ 10 आप इस गाड़ी को कितनी रेटिंग देना चाहोगे? पेट्रोल में 10 out of 10 दूंगा और CNG के अभी कंडीशन देखते हुए 8। अच्छा, CNG सस्ती होती तो 10 देता, कोई दिक्कत नहीं थी, एवरेज अच्छी निकालती है, बट CNG के अब रेट इतने हो गए हैं तो इसका 1.5 लाख देना मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। अच्छा, जैसे कोई बंदा सोच रहा है टियागो CNG लेने की, तो आपकी रिकमेंडेशन रहेगी, और अगर रहेगी तो क्यों रहेगी? अभी रहेगी पेट्रोल में ले लो, XT वेरियंट आता है वैल्यू फॉर मनी, वो लो, ठीक है। टॉप वेरियंट लेने की जरूरत नहीं है, XT प्लस जो है, और पेट्रोल में लोगे अपना मेरे ख्याल से 7-10 के आसपास का चल रहा है रेट, पता नहीं 1 साल हो गई उस बात को भी, तो आप वो ले लो, ज्यादा बेटर है। CNG में जाने का फायदा नहीं है। बजट अगर लेना है ऊपर तो टिगोर लो, EV में ले लो। टिगोर EV तो कब से आ ही रही है, और अगर छोटी ही चाहिए और फिर भी बजट का इशू नहीं है, तो इसकी भी अब EV आ रही है जनवरी तक, वो ले। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मतलब ये है कि टियागो बिल्कुल सही गाड़ी है, बिल्कुल है ना, CNG से हट के बात करें तो। i10 चलाने में आपको बेटर लगेगी, फिट एंड फिनिश थोड़ी अच्छी लगेगी, बट फीचर वाइज टाटा आपको अच्छे रेट पे उससे ज्यादा फीचर देगी। ओके, तो चलो थैंक यू अनमोल भाई, सबसे पहली बात तो यार अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि बहुत कीमती टाइम है आपका, बहुत सारे चैनल चलाते हो। तो चलो भाई, ये थे अपने साथ अनमोल भाई, जिन्होंने अपनी गाड़ी का आज एक्सपीरियंस शेयर किया। और क्या थी भाई, टियागो CNG, मतलब ICNG, ठीक है। एक अच्छा सा मतलब बातें हुई है सारी, के क्यों लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, और भाई रिकमेंडेशन वगैरह की भी बात हुई, और भाई रेटिंग की भी बात हुई है, मेनली क्या है, ठीक है। तो चलो भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी कमेंट में आप जो भी है वो बता सकते हो मुझे, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलो भाई, वीडियो करते हैं यहीं पे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।